Hello everyone, welcome to our online classes. This is Praveen here. Today we are going to discuss the solved paper of non-medical section. June 2019 का मैंने पेपर लिया है. इसमें केमिस्ट्री सेक्शन हम सॉल्व करने वाले हैं. बहुत ही इसकी जो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वो ज़्यादा हैं. अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन, बहुत बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन, जिसको देख के ही आप आंसर कर दोगे, उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं. लेकिन वो भी तब आपके लिए ईजी होंगे अगर वो आपने बेसिक्स पढ़े हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. 21 to 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो है केमिस्ट्री सेक्शन के हैं. 21st क्वेश्चन जो है, द हेयर लाइक स्टिंगिंग नीडल ऑन द नेटल लीफ कंटेन. तो ये क्वेश्चन देखो, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आपको नहीं मिलेगा. ये डायरेक्ट 10th की NCERT में एक नोट अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन वहाँ से पूछ रखा है 10th क्लास की NCERT से. ठीक है, और यहाँ पे जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, एसिड बेस वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है. राइट, तो हमने एसिड सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में हमने एसिड पोर्शन कंप्लीट कर लिया हुआ है, पार्ट वन, और चैप्टर वन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया है. इसका आंसर हो जाएगा, मतलब जो आपने एक ऐसे नेटल लीव्स कौन होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं, ठीक है, ठीक है, जिनमें क्या कांटे लगे होते हैं और उनके साथ अगर टच करेंगे तो वहाँ पे क्या एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है और वो कहीं ना कहीं आपके डैमेज करते हैं वहाँ की सेल्स को जहाँ पर वो टच होता है. तो क्या कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड. अंट बाइट में भी यही होता है, अंट जब बाइट करते हैं आपको तो वहां पे भी यही एसिड प्रोड्यूस होता है. राइट, इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किस में पाया जाता है ये, तो आपने याद रखना है कि टोमेटो में जो है ये आया हुआ है. मेडिकल सेक्शन में ये क्वेश्चन आ रखा था, ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टोमेटो में प्रेजेंट होता है. और एक और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्पिनच में होता है, ठीक है, जो पालक होता है ना उसमें भी प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट यहाँ पे ये इथेनोइक एसिड अगर है तो विनेगर, ठीक है, विनेगर में होता है, जिसका हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं. राइट, हम एक MCQ के साथ जो उसकी बाकी अदर ऑप्शंस होती है उनको भी सॉल्व करते हैं, और यही मेरा वे रहता है ताकि हम मैक्सिमम गेन कर सकें, उस जितना भी पोर्शन कवर कर रहे हैं वहाँ से मैक्सिमम गेन कर सकें, ये एक मोटिव रहता है. राइट, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन में, ये यहाँ पे ग्रुप दे के रखा हुआ है, आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है किसका है. तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड का है. क्लास 10 की NCERT में एक टेबल दे के रखा हुआ है, जिसमें ये जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है और प्लस वन क्लास की NCERT में भी है एक टेबल, वहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप दे के रखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको. एल्डिहाइड का ये है, और यहाँ पर एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर OH होता है, सिंपल सा. इसके बाद अगर मैं कीटोन ग्रुप की बात करूँ तो कीटोन ग्रुप को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से. तो कोई सा भी आपको आ सकता है पेपर में, तो बना लें, ये नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, द शोल्डर यू फॉर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक केबल. जो क्या होता है, टांका लगाते हैं ना, बोलते हैं कि कोई किसी मेटल को, ठीक है, किसी तार को जोड़ना है तो वहाँ पे टांका लगा दो, कि ऐसे बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में. उसमें क्या, वो जो वायर यूज़ होती है फॉर दिस टांका, तो वो कौन सी यूज़ होती है, उसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है. ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लेड और टीन उसमें होता है. अप्रॉक्सीमेट लेड की 60% होता है, ये वेरी भी कर सकता है, और 40%, ठीक है, ये वेरी भी कर सकती है इसकी परसेंटेज. ओके, इसके बाद यहाँ पे ये अलॉय से क्वेश्चन पूछा गया है, कि ये अलॉय वाला जो टॉपिक है वह हमने कर रखा है पिछले, मैंने आपको 9th के जो क्वेश्चन करवाए हैं बीच में मैंने उसमें करवाया हुआ है, ठीक है. तो एक तो मोस्ट कॉमन पूछ लेता है ब्रास वाला क्वेश्चन, ठीक है, ब्रास में कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है, याद रख लें, कॉपर 70% यहाँ होता है और जिंक जो है वो 30% होता है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक और पूछता है ये ब्रॉन्ज पूछता है, ठीक है, ब्रॉन्ज वाला क्वेश्चन पूछता है, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, तो ये होता है आपका कॉपर प्लस इसमें टीन होता है, SN होता है. राइट, इसमें 70% कॉपर और 30% टीन होता है, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन. राइट, इसके बाद क्वेश्चन है
द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो फ्रूट में एक अलग तरह की खुशबू होती है वो किसकी वजह से होती है, तो उसमें एस्टर्स होते हैं, ठीक है। एस्टर्स क्या होते हैं, ये सॉरी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, आप कह लो कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें क्या होता है OH ग्रुप रिप्लेस हो गया होता है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप से। किससे, मैंने बोला एल्काइल ग्रुप से। और एल्काइल ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, ओ और दो ऐसे इसके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये इसका फीचर है। अगर एस्टर को लिखना हो तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए इसको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको किसी तरीके से अगर आ गया तो आप उसको कर पाएंगी, ठीक है, इस तरीके से, राइट। आगे चलिए, द ड्रेस ऑफ फायर फाइटर्स इज कोटेड विद द विच पॉलीमर टू मेक इट फायर रेजिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका 8th क्लास से आया हुआ है, बिल्कुल बेसिक है। मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री सेक्शन में, आप केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज में, आपको पहले जो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं कि केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, केमिस्ट्री का सिलेबस, उसमें मैंने बताया है कि बेसिक कहाँ से पढ़े हैं, ठीक है। जिसको केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है, केमिस्ट्री का सिलेबस करना है, वो जाके वीडियोस एक बार देख ले, ठीक है। तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, मेलानिन। ये हीट रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट होता है। अगर इसके मैं फॉर्मूला की बात करूं तो यहाँ पे C3H6 और N6 होता है, राइट। इसके बाद मैं और ऑप्शन भी डिस्कस कर लेती हूँ। क्लास 8 में हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ते हैं, जिसमें दो मेन तरह के टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट उसका जो टाइप है दैट इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। दूसरा है आपका थर्मोसेटिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। दो तरह के प्लास्टिक पढ़ते हैं। तो क्या रहता है, थर्मोप्लास्टिक वो होता है कि अगर उसको हम हीट करेंगे तो पिघल जाएगा, उस पर अफेक्ट होगा हीट का। जैसे आपकी बास्केट है, बाल्टी है, उसका उस पर जो प्लास्टिक लगा हुआ वो थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो होता है जिस पर हीट का कोई असर नहीं होता, जैसे कुकर होता है ना, उस पर पीछे हैंडल होता है उसका, वो हो गया। आपके जो स्विच होते हैं वो हो गए, तो वो ऐसी एक आपका ये प्लास्टिक होता है जो ईजिली जो है हीट से अफेक्ट नहीं होता है, या उस पर जो आपका फायर का है उसका अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए उनका वेरियस इक्विपमेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसका ऑप्शन डी आंसर आपको करेक्ट बता दिया। इसके बाद बेकेलाइट भी थर्मोसेटिक प्लास्टिक है वैसे, ठीक है, और पॉलीथीन तो आपको पता ही है क्या है, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे एक आपको न्यूमेरिकल भी आ रखे है इसमें, इन एन एक्सपेरिमेंट कम्बशन ऑफ 7.5 kg ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस्ड 60,000 kJ ऑफ हीट, ठीक है, इतना फ्यूल जलता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्लोरोफिक वैल्यू पूछ रखी है आपकी, क्या पूछ रखा है, क्लोरोफिक वैल्यू पूछ रखी है। तो इसमें आपने क्या करना है, क्लोरोफिक वैल्यू निकालने के लिए इसमें सिंपल सा एक आपने फॉर्मूला लगाना है। उसमें फॉर्मूले में क्या कर देंगे आप, जो जितनी आपकी ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, मान लो यहाँ पे 60,000 है, उसको डिवाइड करना है 7.5 से, ठीक है, और डिवाइड होकर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ये आपको करना है। इसके बाद हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 60 grams ऑफ मीथेन, तो ये भी आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जैसे क्या बोला हुआ, मीथेन बोला हुआ ना, तो मीथेन में आपको पता है मीथेन का फॉर्मूला ये हो जाता है। अब हाइड्रोजन के बारे में ही पूछा है तो हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें कार्बन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 4 है, 4 हाइड्रोजन है। तो सिंपल क्या पूछा हुआ है, हमें एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पता करनी है। तो आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर से इसका क्या हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर, उसको कैसे, जैसे 4 एटम हाइड्रोजन की है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6.22 × 10⁻², ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एवोगैड्रो नंबर याद रखेंगे आप, ठीक है, इसके लिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लास प्लस वन की एनसीईआरटी में टेबल 1 रखा है, वहां पे देके रखी हुई है रेंज, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, -10°C to 110°C। सिल्क इज मेड अप ऑफ, तो क्लास 8 की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। पहली बात, सिल्क में क्या प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन से बना होता, कौन सी प्रोटीन वहाँ होती है वो नाम भी नोट कर लो, सेरिसिन, ठीक है, सेरिसिन प्रोटीन वहाँ पे होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट द एनथ
शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट. तो मैंने ये आपको जो वैलेंसी वाली जो सीरीज करवाई है ना, एक पीरियोडिक टेबल वाली जो वीडियोस हैं, उनमें से एक वीडियो में बताया था कि क्यों हम जो है किसी एन शेल में टू ही क्यों होते हैं, के शेल में एट क्यों होते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था. उसके लिए एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला टाइप दे के रखा हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. इसको कई बार ऐसे भी दिया होता है, 2×10^2, इस तरीके से भी लिखा होता है, सेम ही चीज़ है. ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वे इज द मैक्सिमम. ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसका वेट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. राइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स, ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ रखा है. पीरियोडिक टेबल की हम जो है सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल सेक्शन हो, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट 10 ईयर पेपर एनालिसिस कर चुके हैं. पीरियोडिक टेबल को मैं अदर सीरीज में भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें पूरे क्वेश्चन जो है हमने कर रखे हैं फॉर डेट सेक्शन. ओके, पूछ रखा है वर्टिकल कॉलम्स कितने होते हैं टोटल, तो ज़रा सोचिए कितने होते हैं, 18 होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटानोन इज अ कंपाउंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज बिलोंग. क्लास 10 एनसीईआरटी टेबल, वही मैंने बोला सुफिक्स यहाँ पे देके रखे हुए हैं. ठीक है, तो सुफिक्स यहाँ पे ओन लगा हुआ है, तो ओन किसके साथ लगता है, कीटोन ग्रुप के साथ. ठीक है, तो मैंने कीटोन बता दिया आपको, इसका आंसर कीटोन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्थलिन बॉल्स होना था यहाँ पे. नेफ्थलिन बॉल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे बनाई जाती हैं वो, तो कोल तार से बनाई जाती है. और ये जो कोल तार है ये कोल से बनाया जाता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में इसका जो सीक्वेंस है आप याद रखना, कोल से तारकोल बनाया जाता है और तारकोल से वो नेफ्थलिन बॉल्स होती हैं. नेफ्थलिन बॉल्स वही जो मौत वगैरह कपड़ों में डालते हैं, वो वाइट वाइट सी गोलियां. ठीक है, ताकि जो मौत वगैरह है या छोटे छोटे जो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, वो दूर रहे. ठीक है, कपड़ों को डैमेज ना करें. ओके, नेक्स्ट, द रफ एरिया ऑफ मैच बॉक्स अगेंस्ट विच द मैचस्टिक इज रब्ड टू इग्नाइट इज कोटेड विद. माचिस का एरिया, ठीक है, जिसपे आपको रेड रेड दिखता है, ठीक है, जिसपे आप माचिस के तीले लगा के उसको जलाते हैं, उस पर क्या लगाया जाता है, ये पूछ रखा है. तो यहाँ पे बी, मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस, मेनली रेड फॉस्फोरस वहाँ पे होता है. तो मैं यहाँ पे आपको एक और मेन क्वेश्चन है यहाँ पे दो फॉस्फोरस के, जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, तो मैं बता देती हूँ. फॉस्फोरस के दो टाइप होते हैं, एक वाइट फॉस्फोरस, एक रेड फॉस्फोरस. ठीक है, ये जो वाइट फॉस्फोरस होता है एक्चुअली ये पॉइजनस होता है, आप नोट कर लो, ये पॉइजनस होता है और ये जो है वो नॉन पॉइजनस होता है. रेड फॉस्फोरस पॉइजनस नहीं होता है. ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये ईजिली कैच कर लेता है एयर में फायर को, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर में. याद रखना है, वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, ये भी क्वेश्चन है. अब रेड फॉस्फोरस स्टेबल होता है एयर में, ये इसको लिख लो, इट इज स्टेबल इन एयर. ठीक है, इसलिए इसको अदर स्टोर करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैचस्टिक पे इसको लगाया जाता है. ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज एज विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या फॉर्मूला होगा, H2O2, राइट. तो ऑल ऑफ अबव इसका होगा, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, तो कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो 200 mg इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन 104 AMU. तो ये तो आपका मास वाला जो कंसेप्ट है वहाँ से पूछा गया है और बिल्कुल इजी कंसेप्ट है. ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपने, टोटल मास ऑफ एटम. ठीक है, टोटल मास ऑफ एटम अपॉन मास ऑफ वन एटम, ये लिख लो आप फॉर्मूला. ओके, लिख लिया, चलिए. इसके बाद टोटल मास आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है, 104, और किसका पूछा है, हीलियम पूछा है ना, तो हीलियम का 8 एटम का मास कितना होता है, जैसे एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है बच्चों 2, कितना होता है, 2 होता है. तो मास नंबर
यूजुअली मास नंबर क्या होता है, डबल होता है, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे क्लोरीन में होता है, वैसे मास नंबर का जो कंसेप्ट है उसमें जो एटम है, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो उसका अटोमिक नंबर एक है, मास नंबर टू हो जाएगा, वैसे हीलियम का टू अटोमिक नंबर है तो मास नंबर फोर हो जाएगा, तो एक एटम का मास नंबर हमने यहाँ पे फोर लिखे, इसको कैलकुलेट करना है तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा सी। मैं एक्सेप्शन की बात कर रही थी मास नंबर की, तो वो मैं एक होता है कॉमन जो पूछता है, दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है, तो 17 मतलब इसका होना चाहिए था आपका 34 मास नंबर, लेकिन इसका जो मास नंबर है 34 नहीं होता है, 35.5 होता है, एक्सेप्शन है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, इफ के एल एन जो शेल्स हैं ऑफ एन एटम कम्प्लीटली फिल्ड देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ये के शेल है, फिर एल शेल आता है, के में टू होते हैं मैक्सिमम और इसमें जो है एट होते हैं मैक्सिमम, तो दोनों को प्लस कर लेंगे 10 हमारे पास हो जाएगा, तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन का नंबर होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, कब तक, जब तक वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स, तब तक उसका जो नंबर है वो, वैसे प्रोटॉन तो शेयर नहीं करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसकी वजह से चार्ज जो है एटम के पास वेरी करता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो सीरीज़ करवाई है उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से एटम के ऊपर चार्ज आता है, प्लस चार्ज क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी 10। 10 किसका होता है, नियॉन, है ना, जो कि एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन प्लांट, अभी रिसेंट जो डिस्कशन मैं कर रही हूँ चैप्टर का सेकंड जो है आपका एसिड बेस वाला, उसमें ये पीएच वाला जो कंसेप्ट है वहाँ पे ये लाइकेन प्लांट डिस्कस किया गया है कि लाइकेन प्लांट से बिलोंग जो आपका लिटमस डाई है, ठीक है, लिटमस पेपर वगैरह बनाया जाता है वो यहाँ से लाइकेन प्लांट से लिया जाता है, याद रखना है, और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आंसर विल बी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसे प्लांट होते हैं जो एकदम ज़मीन पे चिपके होते हैं, उनकी रूट्स आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, उनके लीफ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही उसके स्टेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम थैलोफाइट्स बोलते हैं और थैलोफाइटा ग्रुप में वो आते हैं। ओके, ब्रायोफाइटा जो प्लांट होते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये नेक्ड सीड होते हैं, इसमें इनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो पोटाशियम के जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ब्लर है, तो मैं आप बोल रही हूँ साथ में, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो उसको नोट कर ले, राइट। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 है, यहाँ पे लिख रखा है B6 है यहाँ पे, तो B6 का जो केमिकल नेम है यहाँ इसमें से हो जाएगा आपका सी पेरिडॉक्सिन, थायमिन जो है, थायमिन जो है B1 का होता है, रिबोफ्लेविन जो है आपका B2 का होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है, ठीक है, विटामिन पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ उनकी डिस्कवरी वगैरह अदर नेम वगैरह के बारे में, जो कि आपको किसमें मिल जाएगी, बायोमोलिक्यूल सीरीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सर्फेस ऑफ नॉन स्टिक यूटेंसिल्स इज कोटेड विद विच पॉलीमर, जो बर्तन होते हैं घर में नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं उन पे कौन सी चीज़ की कोटिंग होती है, तो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, याद रखना टेफ्लॉन की कोटिंग उसमें की जाती है ताकि स्टिक ना करें वो फूड उसके साथ। ड्यू टू एसिड रेन द मार्बल ऑफ ताजमहल इज कन्वर्टिंग इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो मैंने प्रीवियस वीडियो टॉप 50 केमिकल फॉर्मूला जो आपको करवाए हैं उसमें मैंने बताया था कि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, वही कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल का फॉर्मूला है, किस में कन्वर्ट हो जाता है एसिड रेन की वजह से, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CaSO4। जो टॉप 50 केमिकल फॉर्मूला करवाए हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें केमिकल नेम कॉमन नेम भी करवाए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के बनाए गए हैं, और जितने भी NCERT से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो उस वीडियो में डाले गए हैं, तो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर टेट, फॉर बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, राइट। केमिस्ट्री तो कॉमन ही रहती है, लेकिन नॉन मेडिकल वालों की केमिस्ट्री बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू मेडिकल सेक्शन, मेडिकल सेक्शन वालों की केमिस्ट्री काफ़ी टफ है। विच टाइप ऑफ ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, पहले ये होता क्या है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए, सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और कहाँ इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, और ये जो है डिपेंड होता है जैसे
लिपिड का मतलब हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, वाटर रिपेल कर रहा है या वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो एक डिटेल आ जाती है। लेकिन आप यहाँ पे इतना याद रखेंगे ये सेपरेशन के लिए यूज़ होता है जिसमें सल्फाइड ओर्स यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, तो आइसोप्रीन पॉलीमर है, ठीक है। आइसोप्रीन को हम और क्या लिख सकते हैं, केमिकली टू मिथाइल, केमिकल नेम भी कई बार आ सकता है, टू मिथाइल वन वन कॉमा थ्री, ठीक है, आईयूपीसी नेम है इसका, 1.3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, इस तरीके से लिख लें इसको ऐसे, है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द आईयूपीसी नेम, तो ऐसे देके रखा हुआ कंपाउंड, इसका आईयूपीसी नेम देखना है आपने, तो यहाँ पे प्रोपेन 1,2,3 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट, फॉर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, चैप्टर वन में हमने सारी केमिकल रिएक्शंस कर रखी हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, और कौन सी थी उसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, फिर और कौन कौन सी, बहुत सारी रिएक्शंस हमने करी, पांच छह टाइप की रिएक्शंस करी, मेरे माइंड में अभी आ ही नहीं रही हैं, ठीक है, सारी कर ली हमने, तो वो एक बार जाके देख लें क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनता है आपको, ठीक है। इस रिएक्शन को देख के आपने बताना है कि फॉलोइंग में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, HCl जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कौन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन यहाँ से रिप्लेस हो रही है, और HCl जो है यहाँ पे क्लोरीन जो है वही HCl का जो क्लोरीन है वो यहाँ पे आ जा रहा है, इसलिए HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। नेक्स्ट, फॉर व्हाट रीजन नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स, चिप्स में जो नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली ताकि ऑक्सीडेशन ना हो वहाँ पे, और फूड जो है चिप्स जो है वो ख़राब ना हो, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स। नेक्स्ट है आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 120, बताया कि 120 एलिमेंट किसका होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए अनबेरिलियम, ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन मेडिकल सेक्शन, जून 2019 का पेपर हमने किया। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी पेपर सॉल्व करवा दूँ प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्योंकि MCQs की डिमांड आ रही है कि मैम MCQs करवाओ, तो कोशिश रहेगी कि MCQs ही करें फिर, ताकि और ऑप्शन से, अगर हम एक MCQ करते हैं तो कई बार क्या होता है, एक MCQs की जो बाकी ऑप्शंस होती है वहाँ से आपके 3-4 नंबर के क्वेश्चन निकल आते हैं। अगर आज हमने 30 क्वेश्चंस किए तो 30 के साथ आपके 20-25 क्वेश्चन और है, तो अबाउट 50 क्वेश्चंस का बैंक आपके पास बन जाता है, क्वेश्चन बैंक बन जाता है। उनको नोट कीजिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए जाते हैं, आपके पास बुकलेट है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसी पे नोट कर लीजिए, या आप सेपरेट नोटबुक बना रहे हैं तो उस पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ठीक है, फिर यही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। प्रीवियस जो अभी तक वीडियोस करवाई गई है केमिस्ट्री सेक्शन में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट जो है आपके लिए प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए गए होते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास प्लस टू के लिए सीरीज सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए, इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास प्लस वन क्लास प्लस टू के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज अ टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमोलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमोलिक्यूल के बेसिक, प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे।
क्लास प्लस उनकी टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफी ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास प्लस वन से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कॉर्डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद एचपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास प्लस टू की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के सीबीएसई एनसीईआरटी की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास प्लस वन का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज, दे मे बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।